साइट मैप से हमने पहले बात की, उसमें हमने अंडरस्टैंड किया कि साइट मैप किस तरह से एक डायरेक्टरी का रोल प्ले करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी बिजनेस को ढूंढना है तो आप एक टेलीफोन डायरेक्टरी पकड़ते हैं और उसमें आप प्रॉपरली एक कैटेगरी में जाके आप उसको नंबर या उनका एड्रेस ढूंढना शुरू करते हैं और आपको वो मिल जाता है। साइट मैप्स बेसिकली किसी भी वेबसाइट के लिए एक टेलीफोन डायरेक्टरी का रोल प्ले करते हैं। आप अक्सर वेबसाइट्स पे जाते होंगे, उनमें आपको इन्फॉर्मेशन ढूंढना बहुत मुश्किल होती होगी, आपको नहीं पता होगा कौन से पेज के अंदर क्या है और किस तरह से आप क्लिक करते करते आगे चले जाते हैं। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक साइट मैप बनाया जाता है जो यूज़र्स के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है, क्योंकि उस साइट मैप में तमाम के तमाम URLs उस वेबसाइट से एक ही पेज के ऊपर दिखाए जाते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि यूज़र वो अपने उन URL की लिस्ट में से देख लेता है कि मैंने कहाँ जाना है, तो बजाय इसके कि वो 8-10 क्लिक करने के बाद अपने URL पे पहुंचे या अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे, वो एग्जैक्टली उसी पेज पे बाकायदा चला जाए। अगर उसको कुछ और नहीं मिल रहा तो वो साइट मैप से वो डायरेक्टली उस पेज पे लैंड कर सकता है। HTML साइट मैप देखने में कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नादरा की वेबसाइट का एक साइट मैप है। तो अगर आप नादरा की वेबसाइट पर जाएँ और अगर आपको कोई पेज नहीं मिल रहा तो आप उनके साइट मैप पर जाके पूरी नादरा की वेबसाइट की लिस्ट देख सकते हैं। उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि नादरा की वेबसाइट पर कितने URLs हैं और आपको कौन से URL पे क्लिक करना था या कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी। इससे आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी और ये नादरा चाहेगा कि आप उसके आने वाले यूज़र्स को, यानी कि आपको, वो इन्फॉर्मेशन बड़ी आराम से मिल जाए। तो ये एक पिक्सेल की वेबसाइट का साइट मैप है। आप इस पे URL पे जाके विजिट भी कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट हर वेबसाइट पे होता है और अच्छी तरह से ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी एक साइट मैप है जो कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है। तो ये साइट मैप बेसिकली आपको देखने से अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से एक HTML साइट मैप एक और सारे URLs HTML फॉर्मेट में, यानी कि एक वेब पेज के फॉर्मेट में लिस्ट कर देते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इस मकसद से क्रिएट किए जाते हैं कि जितने भी पेजेस के URLs हैं वो सब एक जगह पे आसानी से हासिल हो जाएं उन लोगों को जो उसको ढूंढ रहे हैं, और ना सिर्फ उन लोगों को बल्कि फिर गूगल को भी। जी हाँ, तो जैसे कि हमने पहले बात की कि अगर हम लेवल्स बढ़ाते चले जाएँ स्ट्रक्चर में, तो गूगल एक वक्त पर जाके आपकी वेबसाइट क्रॉल करना छोड़ देता है और डीप लिंक्स गूगल तक रसाई नहीं कर पाते, क्योंकि गूगल आपकी वेबसाइट में Level 3 या 4 तक मैक्सिमम जाता है, उसके बाद वो नहीं जाता। तो इन केस अगर आपके पास ऐसे पेजेस हैं जो और कहीं से लिंक नहीं हैं या वो बहुत डीप हैं लेवल्स के लिहाज से, उनको भी आप साइट मैप में लिस्ट कर सकते हैं और ये साइट मैप आप गूगल को दिखा सकते हैं, ताकि गूगल जब इस वेबसाइट पर आए, इस वेब पेज के ऊपर आए, वो सारे के सारे URL देख ले और सबको इंडेक्स कर लें। तो अगर किसी तरह से वो लिंक से लिंक जंप करते हुए उन पेजेस तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो बेसिकली इसके थ्रू आपके उन पेजेस तक पहुंच जाएगा। सो अंडरस्टैंड करने वाली बात ये है कि साइट मैप सिर्फ और सिर्फ यूज़र्स को हेल्प नहीं करते हैं, वो गूगल को भी हेल्प करते हैं। और अगर आपकी वेबसाइट हज़ारों की तादाद में पेजेस रखती है तो ये आपके लिए तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि गूगल आपको नहीं मालूम कि कितने URLs को क्रॉल कर चुका, कितने URLs को क्रॉल नहीं किया और वो कितनों को मिस कर गया। तो इस पॉसिबिलिटी को डिनाई करने के लिए, इस पॉसिबिलिटी से अवॉइड करने के लिए आप एक साइट मैप बनाते हो और सारे के सारे URLs उसमें डाल देते हो, और आपने ये इंश्योर करना होता है कि गूगल इस साइट मैप तक लाजमी पहुँचे। तो इसीलिए अक्सर वेबसाइट्स के फुटर में, होम पेज के या पूरी वेबसाइट के फुटर में कहना कि साइट मैप का एक वर्ड लिखा होता है और वो साइट मैप पेज से लिंक होता है। तो होता ये है कि जब गूगल किसी वेबसाइट के ऊपर जाता है वो सारे के सारे लिंक्स को क्रॉल करता है और देखता है कि लिंक्स कहाँ कहाँ जा रहे हैं, और फिर वो साइट मैप के लिंक को भी देखता है और फिर उसको फॉलो करके उस पेज पे जाता है और उस पेज पे देखता है कि उस पेज पे लिंक्स कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो इस तरह से HTML साइट मैप यूज़र्स को भी हेल्प करता है और गूगल को भी हेल्प करता है। और साइट मैप्स अगर आपकी वेबसाइट छोटी है या आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी है, दोनों सूरतों में आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इसको क्रिएट करें और गूगल तक इसकी रसाई मुमकिन बनाएँ।